ज्ञान संगीत कला आदि सीखने की देवी के रूप में माँ सरस्वती सर्वत्र पूजनीय हैं। सरस्वती माता के कई नाम हैं, इनमें सावित्री, ब्रह्मानी, भारादी, वाणी, वाग्य देवी इत्यादि। ऐसी मान्यता है कि विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, इसलिए हर वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार माँ शारदा की पूजा अर्चना कर मनाई जाती है। और यही वजह है कि विद्यार्थियों में माँ सरस्वती की पूजा को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। चौदह फरवरी को बसंत पंचमी है और इसके लिए माँ सरस्वती की प्रतिमा मूर्तिकारों द्वारा करीब करीब तैयार कर लिया गया है। हालांकि छठ पर्व के बाद से ही मूर्तिकार प्रतिमा को बनाने में लग जाते हैं ताकि नियत समय पर प्रतिमा बनकर तैयार हो जाए। देवघर जिला अंतर्गत मधुपुर का रहने वाला मूर्तिकार सुरजीत पाल देवी देवताओं की प्रतिमा कई वर्षों से बनाते आ रहे हैं। SPM हाई स्कूल प्रांगण परिसर में काफ़ी लंबे समय से मूर्ति बनाने का काम सुरजीत पाल के पिता समरकांत पाल और दादा देवेंद्र नाथ पाल करते आ रहे हैं। करीब 90 वर्षों से मूर्ति कला में यह परिवार लगे हुए हैं। मूर्तिकार सुरजीत पाल बताते हैं कि प्रतिमा को तैयार करने का आधार बांस और बिचाली होता है, जहां खेतों की मिट्टी और नदी के बालू का इस्तेमाल कर प्रतिमा को आकार दिया जाता है। स्थानीय चुनिंदा जगहों से मिट्टी और बालू लाया जाता है, वहीं अन्य सामग्रियों को कोलकाता से लाया जाता है। मिट्टी से बने प्रतिमा का आकार पूरी तरह सूखने के बाद रंग का इस्तेमाल कर मूर्ति को सजाया और संवारा जाता है। आँख, भाव, ओष्ठ आदि को रंग से माँ को जीवंत रूप दी जाती है। विधिवत तरीके से वस्त्र धारण कराने के पश्चात ही इसे पूजा अर्चना के लिए भक्तों को सुपुर्द किया जाता है। ये तो हम पहले से ही कर रहे हैं और मेरा दादाजी भी करते थे, पिताजी भी करते थे। बांस बिचाली से शुरू किया जाता है। अच्छा। फिर मट्टी आता है, उसके बाद फिर रंग और सजावट का काम। पहले तो इसका बेस बांस से ही बनाया जाता है। बांस सजावट के काम का सामान सब तो कलकत्ता से मंगाते हैं। अच्छा। इधर तो मिलता नहीं, मिट्टी वगैरह यही मिल जाता है, थोड़ा सा दिक्कत करने पड़ता है, चुनना पड़ता है कहाँ पर बढ़िया मिट्टी मिलेगा। इसमें दो तरह का मिट्टी लगता है, एक तो चीट लगता है जो आपका मिल जाता है खेत वगैरह में, और एक मिट्टी बालू मिट्टी जो नदी के किनारे ही मिलता है। तो वो नदी से लाया जाता है चुन के। यही एक मिट्टी फिनिशिंग ज़्यादा होता है, एक मिट्टी मजबूत ज़्यादा होता है। अच्छा। और जो मजबूत मिट्टी है वो चीट मिट्टी है। अच्छा। वो हम लोग खेत से ही ले लेते हैं, इधर उधर किसी का खेत से। फिनिशिंग वाला मिट्टी में बालू ज़्यादा रहता है, बालू ज़्यादा चाहिए चिकना करने के लिए। तो उसी से चमकाहट। हाँ हाँ। अजय नदी के किनारे। ये तो मेरे लिए एक काम है और ये
मेरे यहाँ चले आ रहा है आज बहुत दिन से, करीब 90 साल से मधुपुर में है। मेरा दादाजी शुरुआत किए थे और प्रेरणा तो उन्हीं से मिला हमको, फिर पिताजी करते थे। अब करने में तो अच्छा लगता ही है, कभी कभी परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। मसला लेकिन मतलब यही पानी होने का हुआ, कभी पानी आ गया, मूर्तियाँ सब बाहर में रहता है, कभी बढ़िया मिट्टी नहीं मिला, बहुत तरह तरह की परेशानी भी है, लेकिन हो जाता है सब परेशानी के बीच में। सब तरह का जैसा ऑर्डर मिलता है, कभी जैसे जग होता है तो उसमें बहुत सा प्रतिमा लगता है, और ऐसे दुर्गा जी तो मेन है। अच्छा, मतलब पहले तो हाथ से ही बनाया जाता है, उसके बाद ज़्यादा बनाने के लिए हमको सांचा बनाने पड़ता है उसका, कुछ भी चीज़ हो पहले तो हाथ से ही बनाना पड़ेगा। और मेरा असल गांव है मायापुर। अच्छा, बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो फेमस है मेरा गांव में, हर घर में कलाकार मिलेगा। तो आप लोग रहने वाले वहीं के, लेकिन हम लोग 90 साल से यहाँ है, दादाजी के टाइम तो यहीं का बासिंदा। सुरजीत पाल अपने पूर्वजों की कला को आज भी संभाले हुए हैं। करीब 90 वर्ष पूर्व सुरजीत पाल के दादा देवेंद्रनाथ पाल पश्चिम बंगाल के नडिया डिस्ट्रिक्ट से मधुपुर आए थे। तब से लेकर आज तक मूर्ति बनाने की कला पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है।